What's written here? Enough is enough. और इसका मतलब क्या है? अब काफ़ी हो गया है. तो आज हम लोग बात करेंगे enough के ऊपर कि enough का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, और अगर हम इसके parts of speech के बारे में बात करें तो enough किस किस तरीके से काम करता है. जैसे कि आप लोगों ने definitely कहीं ना कहीं पढ़ा होगा enough के बारे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और किस मायने में कॉम्प्लिकेटेड होता है? अपनी पोजीशन की वजह से. कहने का मतलब ये हुआ कि वेयर इट शुड बी पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एनफ का यूज़ कहाँ पर करें, पहले करें या बाद में करें. तो आज हम लोग एनफ पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, और इतने डिटेल से बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में कहीं पर भी आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एनफ. और एनफ का मतलब क्या होता है? सफिशियंट. और सफिशियंट का मतलब पर्याप्त. कहने का मतलब ना ज़्यादा ना कम, इतना हो जाए कि जिससे कि आपका काम चल जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनफ. अब हमें ये देखना होगा कि एनफ का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए, अगर एनफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात किया जाए, या तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है या तो ये हमारा एडवर्ब होता है. बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे जानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है. तो डोंट वरी, आई एम हियर, नो फियर. तो इसी मुद्दे को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो देखिए, अगर मान लिया जाए कहीं पर आपका एडजेक्टिव लगा है या एडवर्ब लगा है, और उसके बाद अगर एनफ आया है, उसके पहले नहीं आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद अगर एनफ आया है, तो वहाँ पर एनफ हमारा क्या काम करेगा, एडवर्ब. हमेशा याद रखिएगा, किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा. अगर हम इस पर एग्जांपल लें तो एग्जांपल कैसे होगा, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है आपका, द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड एनफ फॉर मी. कहने का मतलब ये हुआ, द क्वेश्चन, प्रश्न इज कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हार्ड, जटिल, कठिन. फॉर मी, मेरे लिए. द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड एनफ. अब आपने यहाँ पर पोजीशन देखा, कॉम्प्लिकेटेड आपका क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव, और एनफ की पोजीशन किसके बाद है, एडजेक्टिव के बाद. तो एनफ हमारा यहाँ पर क्या बना, दिस इज योर एडवर्ब. आप इस सेंटेंस को ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज एनफ कॉम्प्लिकेटेड. अगर ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो डेफिनेटली दैट इज़ रॉन्ग, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, इज इट वॉर्म एनफ, इज इट वॉर्म एनफ फॉर यू. कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये आपके लिए काफ़ी गर्म है. काफ़ी गर्म का सेंस हुआ कि इससे काम चल जाएगा. अब आपने देखा यहाँ पर वॉर्म क्या है, दिस इज़ योर एडजेक्टिव, और एनफ की पोजीशन जो है वो एडजेक्टिव के बाद है. तो इसी एनफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब. और इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इज़ इट एनफ वॉर्म, इज इट एनफ वॉर्म क्या है, दैट इज़ रॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ ड्राइविंग द कार फास्ट एनफ. शी इज़ ड्राइविंग मतलब वो चला रही है द कार, कार को, फास्ट एनफ. अब यहाँ पर हमारा फास्ट क्या है, एडवर्ब है. तो एडवर्ब के बाद एनफ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. तो एक साथ हम लोग दो एडवर्ब का यूज़ करते हैं, मतलब दोनों ही एडवर्ब एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते हैं. जैसे लिखा क्या है, शी इज़ ड्राइविंग द कार फास्ट एनफ, वो कार को काफ़ी तेज चला रही, मतलब बहुत तेज नहीं और बहुत स्लो भी नहीं, मतलब इतना चला रही दैट इज़ कम्फर्टेबल, जो आपके लिए कम्फर्टेबल होगा. तो एनफ की पोजीशन कहाँ पर है, फास्ट के बाद. अगर इसी एग्जांपल को हम लोग ऐसे बोल दें, शी इज़ ड्राइविंग द कार एनफ फास्ट, तो वो आप ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, द प्लेयर हैज़ हिट द बॉल. प्लेयर ने बॉल को हिट किया, और हिट की तीनों फॉर्म इक्वल होती है, हिट हिट हिट. द प्लेयर हैज़ हिट द बॉल हार्ड एनफ. अब यहाँ पर हमारा हार्ड क्या है, दिस इज़ योर एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद एक और एडवर्ब लगा हुआ है, एनफ. अब इस एग्जांपल को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, द प्लेयर हैज़ हिट द बॉल एनफ हार्ड. अगर आपने एनफ हार्ड बोला तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. और इसका मतलब क्या है, प्लेयर ने बॉल को काफ़ी तेज हिट किया. तो यहाँ पर आपने देखा कि एनफ हमारा कैसे काम कर रहा है,
एडवर्ब का काम कर रहा है। अब हमें जानना होगा कि एनफ एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, एनफ, और उसके बाद आपका क्या लगा हुआ, नाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एनफ का यूज़ आप नाउन के साथ करेंगे तो इसकी पोजीशन जो होगी वो नाउन के पहले होगी, नाउन के बाद गलत हो जाएगा। और नाउन में हमारा दोनों होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन आप अच्छे से जानते होंगे, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर एनफ नाउन के साथ आएगा तो पोजीशन पहले, अगर नाउन काउंटेबल है तो नाउन हमेशा प्लूरल में होगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे एक एग्जांपल है, आई हैव गॉट एनफ बुक्स ऑन ग्रामर। कहने का मतलब ये हुआ, आई हैव गॉट एनफ बुक्स, मेरे पास काफ़ी किताबें हैं ऑन ग्रामर, ग्रामर पर, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, काफ़ी हैं, ठीक ठाक हैं। अब आपने यहाँ पर गौर किया कि बुक्स हमारा क्या है, इट इज़ योर नाउन, और एनफ की पोजीशन किसके पहले है, बुक्स के पहले है। तो यहाँ पर हमारा बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से प्लूरल में है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एनफ मैन, यहाँ पर हम मैन नहीं बोलेंगे क्योंकि मैन हमारा कैसा नाउन है, इट इज़ योर काउंटेबल नाउन। एनफ मैन, काफ़ी आदमी, वो प्रेजेंट हियर यस्टरडे, वो प्रेजेंट हियर यस्टरडे, कल यहाँ पर काफ़ी आदमी प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एनफ की पोजीशन नाउन के पहले आई। और अगर मान लिया जाए अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा, वो प्लूरल में नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल क्या है, देयर इज एनफ पेंट, पेंट हमारा क्या है, नाउन, एंड इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि आप पेंट को आप गिन नहीं सकते हैं। देयर इज एनफ पेंट इन द बकेट, कहने का मतलब ये हुआ कि बाल्टी में काफ़ी पेंट है, इतना पेंट है जिससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि एनफ हमारा कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अब कुछ और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एनफ ऑफ, एनफ ऑफ, तो हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि एनफ ऑफ का यूज कहाँ पर होता है और कैसे यूज होता है। तो देखिए, अगर आपका एनफ उसके बाद ऑफ लगा हुआ हो, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन लेना है, तो प्रोनाउन हमेशा किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और प्रोनाउन में दो ही काम करेगा आपका प्रोनाउन, एक दे काम करेगा और एक वी काम करेगा, और ही शी इट, ये सारे हमारे प्रोनाउन यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर एनफ ऑफ लगा है और उसके बाद आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे दे हमारा क्या है, इट इज़ योर सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो देम होता है। इसी तरीके से हमारा वी क्या है, इट इज़ योर सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है। और दूसरे प्रोनाउन क्यों नहीं लग सकते हैं, क्योंकि दूसरे सारे प्रोनाउन हमारे सिंगुलर हैं, जैसे ही, सी, इट, ये हमारे क्या हैं, सिंगुलर। और एनफ का मतलब पर्याप्त, कहने का मतलब कुछ ज़्यादा, काफ़ी होना चाहिए, इस वजह से हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एक एग्जांपल क्या है आपका, आई डिड नॉट टच एनफ ऑफ देम, enough of them। अब आपने गौर किया यहाँ पर them, them this is your objective case, यहाँ पर आप इस बात को दे नहीं बोल सकते। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, I did not touch, मैंने touch नहीं किया enough of them, उनमें से काफ़ी को मैंने touch नहीं किया। इसी तरीके से दूसरा example क्या है आपका, enough of us, enough of us का मतलब हम में से ज़्यादा वो badly tired, वो बैडली टायर्ड का मतलब बुरी तरीके से थके हुए थे। तो आपने देखा क्या क्या लगा हुआ है, एनफ ऑफ अस। अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसे मिल जाए एनफ ऑफ वी वो बैडली टायर्ड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए और हम लोग देखते हैं कि एनफ का यूज़, एनफ ऑफ का यूज़ नाउन के साथ हो सकता है या नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये नाउन के साथ होगा, चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एनफ ऑफ, एनफ ऑफ
ना उनके साथ। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना होगा, डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर क्या होता है, जैसे कहीं पर आपको मिल जाए द, माई, योर, आर, दोज, इन्हीं सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। फिर से समझ लीजिए, डिटरमिनर में क्या क्या हो सकता है, जैसे द, माई, योर, आर, दोज, एट्सेट्रा, तो दे आर कॉल्ड डिटरमिनर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ड अगर नाउन के पहले आ जाए तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। तो आपको क्या लेना होगा, एनफ ऑफ, उसके बाद आपको क्या लेना होगा, डिटरमिनर, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन। अगर नाउन काउंटेबल है तो क्या होगा, प्लूरल में। जैसे एक एग्जाम्पल है, The examination was bad, कोई बोल रहा है, The examination was bad, examination खराब था, I could not answer, मैं जवाब नहीं दे सका, most of the questions, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे सका। अब इस बात को आप ऐसे नहीं बोलेंगे, I could not answer enough of questions, अगर आपने enough of questions बोला तो इट मीन्स टू से डिटरमिनर इज मिसिंग हियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिटरमिनर यहाँ से गायब हो गया। कोई ना कोई आपको डिटरमिनर लेना ही पड़ेगा, चाहे आप द लें, माई लें, योर लें, आर लें, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। विदाउट डिटरमिनर यू कांट स्पीक, बिना डिटरमिनर के आप नहीं बोल सकते।